तो दोस्तों आज हम आपके लिए ले आए हैं टाटा इंट्रा पिकअप V50। ये गाड़ी V30 से बड़ी गाड़ी है, इसकी लोडिंग भी ज़्यादा है। V30 में आपको मिलेगा 1300 किलो का वेट, इसमें मिलेगा आपको करीब 1500। यहाँ पे मिलेगा आपको टाटा इंट्रा पिकअप की ब्रांडिंग, टाटा का लोगो। फ्रंट लुक की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे 5.3 का आपको एक ब्रॉड यहाँ पे फेस दिखाई देगा। विंडशील्ड भी अच्छी दी है। लाइटों की बात करेंगे तो काफ़ी हाई पावर की लाइट दे रखी है, काफ़ी ब्रॉड लाइट कर दी गई है। इंट्रा V50 1500 किलो यानी कि 1.5 टन पासिंग के साथ में आती है। इसके डाले का साइज 9 फीट 8 इंच का होता है, लगभग 10 फीट का ये इसका डाला मिलेगा आपकी लंबान। इंट्रा V50 चार सिलेंडर के साथ में लगभग 1500 सीसी का इसके अंदर इंजन होता है, जो कि 220 Nm का टॉर्क देती है, जिससे गाड़ी का पिकअप बहुत ही मजबूत होता है। V50 के मैक्सिमम GVW की बात करेंगे तो 2960 किलो का इसका GVW होगा। V50 में हाइड्रोलिक ब्रेक मिलेगी आपको फ्रंट में, और पीछे के टायरों में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। अगर इसके टायर की साइज की बात करेंगे तो 215R15 का साइज इसके अंदर मिलेगा। इसके अंदर 35 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिल जाएगा बेहतरीन माइलेज के साथ। अंदर से ये कैसे दिखते हैं आइए आपको दिखाते हैं। अंदर की बात करेंगे तो सबसे पहले अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर का कुछ नज़ारा इस तरीके से है। इसमें भी V30 की तरह इसमें यहाँ पे डैशबोर्ड इसका दे रखा है, साथ में इसका जो व्यू है देखिए ऐसा ही है। यहाँ पे भी इसका जो लॉक है यहाँ पे दे रखा है कार की तरह, और यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ मैनुअली है, यहाँ पे बॉटल रख सकते हैं। बाकी इसमें भी गियर देखिए आप, यहाँ पे जैसे V30 में गियर ऊपर दे रखा है, यहाँ पे गियर यहाँ पे दे रखा है डैशबोर्ड में। इसकी सीट भी एकदम V30 की जैसी है, काफ़ी अच्छी है। स्टेयरिंग इसकी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे भी जो सिस्टम आपको दे रखा है सब कुछ V30 की जैसा ही है। पूरी गाड़ी काफ़ी अच्छी है। एंट्री लेवल की बात करें तो एंट्री लेवल भी काफ़ी ज़्यादा है। ये गाड़ी V30 से थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे रही है, और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। सीट भी इसमें आगे पीछे होती है, काफ़ी ऊँची भी है, और इसकी जो पासिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। एक होती है कि फुल पावर की होती है स्टेयरिंग, लेकिन ये सेमी पावर है। सेमी पावर से मतलब क्या होता है कि कभी खुदा ना खास्ता ऐसी बात हुई कि गाड़ी तिरछी हो गई या फिर कहीं पे जा रही तो गाड़ी की स्टेयरिंग एक घट्टा घूम जाती है, जिससे गाड़ी पलटने का खतरा होता है। तो इसमें सेमी पावर दिया हुआ है, गाड़ी आपकी पलटने के ऊपर कंट्रोल रहेगा, स्टेयरिंग जल्दी घूमेगी नहीं। यहाँ पे आपको डिजिटल मीटर दे रखा है, तो खाली पे इसको हम ऊपर कर देंगे, ऊपर कर देंगे। लाइट जलने लगी, एक मिनट लाइट जलती होगी अगर। हाँ ये अब ये लोड पे चलेगी, इसको अगर ज्यादा लोड, हाँ तो इस पे लगा देंगे, लगा दीजिएगा, इसको हटा देंगे तो खाली। यहाँ पे आपको किलोमीटर भी बताएगा, बैटरी भी बताएगा, फ्यूल भी बताएगा, सब कुछ यहाँ पे आपका LED के साथ में दे रखा है। 44 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, टाइम यहाँ पे गलत बता रहा है, वो बाद हम लोग सेट कर सकते हैं। अगर सेट करना है तो यहाँ पे ये मीटर है, इसी से आप सब कुछ सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका हैंड ब्रेक है, यानी कि आप यहाँ पे दबा के जैसे कार्स में होता है हैंड ब्रेक, वहाँ पे ये दिया हुआ है। सीट काफ़ी ऊँची दी है। ये आपके हेड यानी कि सर को सेफ्टी के लिए, यहाँ पे आपका जो सर होता है उसको सेफ्टी के लिए यहाँ पे रखा गया है, और ऊंचान काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सारे भाई लोग हमारे आगे भी कुछ लोगों को बैठाते हैं, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा सीट यहाँ पे दे रखी है, आप देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा सीट है। यहाँ पे एक आदमी बैठा सकते हैं आप आराम से, और उसके बाद में यहाँ पे आपका को ड्राइवर जो होता है वो बैठेगा, मतलब जो आपका साथी वाला। अगर आप मोबाइल चलाते हो तो मोबाइल की चार्जिंग के लिए यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, 5 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। म्यूज़िक सिस्टम यहाँ पे नहीं दे रखा है, वो आपको लगवाना पड़ेगा। गियर की बात करेंगे तो इसमें 6 गियर दे रखा है, रिवर्स गियर्स मिला के 5 गियर आपको आगे के मिलेंगे, 1 गियर आपको इसमें पीछे का गियर मिलेगा। तो इसमें एसेसरीज क्या मिल रही है, मतलब गाड़ी के साथ आपको जो सामान क्या क्या मिल रहा है, तो ये आपका जो पाना वगैरह होता है, खोल के भी दिखा देता हूँ। जैसे ये टायर बदलना होता है हमारे ड्राइवर भाइयों को, तो ये टायर बदलने के लिए है, आपको दिया जाता है कि अगर कभी रात में अगर रेडियम लाइट है, कभी गाड़ी आपकी किसी इमरजेंसी मोड में हो जाता है तो आप रोड पे इसको लगा सकते हैं, तो लोगों के लिए अलर्ट हो जाएगा। बाकी जैक यहाँ पे दे रखा है, जैक यहाँ पे फंसा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे जैक मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक लंबी रॉड दे रखी है, ये भी टायर के खोलने का काम आता है, स्टेपनी खोलने का आता है, और किसी का सर फोड़ने का भी काम कभी कभी आ जाता है। यूरिया का एक फ़ायदा, यूरिया नहीं है, खर्चा बच रहा है इसमें, और ऑल इंडिया परमिट गाड़ी है, इसके अंदर स्पेस बहुत है, छोटा हाथी से ज़्यादा स्पेस है, स्पेस 4 आदमी बैठ जाएंगे इसके अंदर, देख लो। इसके ये गियर लीवर ऊपर लगा दिया है ना इसका,
हाँ, लीवर सही किया। हाँ, इसलिए इस पे नीचे बहुत सामान रख सकते हो। V30 V50 में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जो लोग हैवी गाड़ी चलाना चाहते हैं, थोड़ा सामान ज्यादा लादना चाहते हैं, 2 क्विंटल ज्यादा, तो उनके लिए गाड़ी काफी अच्छी है। बाकी अगर टायर की बात करेंगे तो इसका टायर थोड़ा सा बड़ा दे रखा है, V30 में कम है, इसमें V50 में ज्यादा है, इसी के बाद में बात करेंगे। तो इसकी जो लंबान है वो भी लगभग सेम ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। ये इसका पीछे का प्रोफाइल है, यहाँ पे भी व्हील टपनी पीछे दे रखी है, लाइट वैसी दे रखी है। V50 का एवरेज इससे ज्यादा है, वो 18 से 19 लगभग आपको एवरेज देगी। तो यहाँ पे ये गैराज है, यहाँ पे इस गैराज में गाड़ी आती है, इसके बाद में इसको मॉडिफिकेशन किए जाते, मॉडिफाई करते हैं, तो मॉडिफाई करने वाले लोग से भी मिलाते हैं। अगर आपकी भी गाड़ी है, उन्हें मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही बेस्ट प्राइस में बेस्ट मॉडिफिकेशन मिलता है। तो अगर इसको गाड़ी को मॉडिफाई करते हैं, मतलब इसका डाला वगैरह बनाते हैं, तो इसमें कितना खर्चा आता है? ये 55 से 60 हज़ार का। 55 से 60 हज़ार रुपये। आजकल छोटा हाथी है जिसे टाटा एस कहते हैं लोग, और V30 एस की, तो इसके प्राइस में कुछ फर्क होता है? हाँ, जैसे छोटा हाथी है तो 28 हज़ार रुपये, V50 है उसके 55 हज़ार रुपये, मिंट है, मतलब हर गाड़ियों के थोड़ा अलग अलग है। कंपनी से मतलब हम 10-15 हज़ार रुपये कम पे लेते हैं। अच्छा, तो जो भी हमारे ड्राइवर भाई या मोटर मालिक देख रहे हैं, अगर आपको भी गाड़ी का मॉडिफिकेशन करना है, तो यहाँ पे भाई फैज़ भाई, इनका नंबर यहाँ पे दे रखा है, इनके एड्रेस की बात करेंगे तो ये कैंपर रोड पे एग्जॉन स्कूल के पास में इनका गैराज है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि तमाम गाड़ियाँ लाइन से लगी हैं, सीधा कंपनी से गाड़ियाँ आती है और यहीं पे मॉडिफिकेशन होता है। अगर इस गाड़ी के प्राइस की बात करेंगे तो ये आपको एक शोरूम प्राइस मिल जाएगी करीब 9.5 लाख रुपए की, ऑन रोड लगभग ये आपको 11 लाख के आसपास पड़ जाएगी। तो ये थी टाटा इंट्रा V50 का ओवरव्यू। कैसी लगी आपको वीडियो और जानकारी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को दबा दें। तो मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ नए वीडियो में।